आए लाखों पैगंबर जहां में मगर इतना अल्लाह को कोई प्यारा नहीं। आए लाखों पैगंबर जहां में मगर इतना अल्लाह को कोई प्यारा नहीं। अर्शे आदम पे एक मुस्तफा के सिवा फिर खुदा ने किसी को पुकारा नहीं। फिर खुदा ने किसी को पुकारा नहीं। फिर खुदा ने किसी को पुकारा नहीं। जो मोहम्मद की उल्फत का कायल नहीं, दोनों जो मोहम्मद की उल्फत का कायल नहीं, दोनों आलम में उसका गुजारा नहीं। खुद खुदावंद आलम ने फरमा दिया जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं। जो जफा करने वाले वफा कब करेगा, जफा करने वाले वफा कब करेगा, पता तो सही फैसला कब करेगा, सहर हो चुकी इल्तिजा कब करेगा। तू सजदे में जाकर दुआ कब करेगा और कजा करने वाले अदा कब करेगा। इबादत खुदा की पता कब करेगा, जो वादा किया है। इबादत खुदा की पता कब करेगा, जो वादा किया है। वफा कब करेगा, अरे दिलों जानो उन पर फिदा कब करेगा और मरद बढ़ रहा है दवा कब करेगा। मरद बढ़ रहा है दवा कब करेगा। रेडी, तो इसलिए तो कहता हूं कि मालिक ने बनाए सारे बनाए सारे ये दोनों जहां के नज़ारे नबी के वास्ते, नबी के वास्ते, नबी के वास्ते, नबी 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 के वास्ते, नबी नबी के वास्ते, नबी के वास्ते।
कर रहा हूँ हैदर बाबू। अभी तक मैंने इसको मुकम्मल नहीं गाया था, आज मैं मुकम्मल इसलिए पढ़ रहा हूँ कि कुछ सूफिया इकराम बैठे हैं जी। अच्छा हाँ बेटा, जरा हैदर बाबू का ये कहना है बिल्कुल जरा। जी जी इसके बाद बिल्कुल आपकी तमन्ना को पूरी करूंगा इंशाल्लाह। तवज्जो, मालिक ने बनाए सारे ये दोनों जहां के नजारे नबी के वास्ते, और बताऊ क्या बनाए और क्या हुआ नबी के वास्ते बता दूं तो लो सुनो। अल्लाह ने देखो सारे, अल्लाह ने देखो सारे, कुरान के 300 बार नबी के वास्ते, 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 नबी नबी के वास्ते, नबी 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 के वास्ते, नबी 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 के वास्ते, अच्छा एक रास की बात और बता दूं, जरा पूछो बता दूं, इजाजत है तो ये भी रास की बात सुन लो, ये भी नबी के वास्ते हुआ, ये भी नबी के वास्ते। क्या आज जो हम तुम बैठे हैं ना, ये भी ईमान के फूल खिलाए, ईमान के फूल खिलाए, भारत में ख्वाजा मकबूल हुई है दुआए पर सी रहमत की घटाए
मुसीबत से फुर्सत नहीं मिलने वाली और कयामत में राहत नहीं मिलने वाली। अगर दिल में इश्क़े मोहब्बत नहीं तो चल हार, ये नमाजों से जन्नत नहीं मिलने वाली। बापू, अगर नमाजों से जन्नत मिलती तो शैतान के दामन में इस कदर सजदे थे कि रूहें जमीन पर अगर बिछा दिए जाते तो राई का दाना रखने के लिए भी जगह न मिलती। बापू, इस कदर सजदे शैतान के दामन में, लेकिन फरमाने खुदावंदी से हटा, अल्लाह ने कहा निकल निकल, मुसीबत से फुर्सत नहीं मिलने वाली, कयामत में राहत नहीं मिलने वाली। अगर दिल में इश्क़े मोहम्मद नहीं तो जा जा, नमाजों से जन्नत नहीं मिलने वाली। लेकिन नमाज फर्ज है हर आकिलो बालिग पर, मगर मैं कौन सी नमाज चाहता हूँ? मैं नमाज चाहता हूँ नमाज पढ़ता है कायल नहीं वसीले का, तू अपना काम खिलाफ है उसूल करता है। और शान जिसे ख्याल नबी रहता है नमाजों में, खुदा उसी की नमाजें कबूल करता है। मगर बापू, हैदर बापू, बफाती बापू, आजकल बड़ा अजीब माहौल है डेवलपमेंट, कमाल है डेवलपमेंट। अरे वाह रे डेवलपमेंट, वाह रे डेवलपमेंट। कुरान आ चुका, हुजूर ने आखिरी खुतबा फरमा चुके, इस्लाम मुकम्मल अपने दामन में मिल चुका, लेकिन इसके बावजूद भी डेवलपमेंट। अरे वाह रे डेवलपमेंट, इसी डेवलपमेंट ने तो कुर्बान कर दिया है, जापान का जीना हराम कर दिया इस डेवलपमेंट ने। जापान पर जो गुजरा उसे हादसा ना जान, दुनिया में आसमानी गजब था इताब था। सब लोग कह रहे हैं जिसे आज जलजला, वो जलजला नहीं था खुदा का अजाब था। मगर फिर भी यूसुफ भाई, फिर भी डेवलपमेंट। मैं वो डेवलपमेंट से पूछता हूँ कि अगर ईमान का सादिक करीना छूट जाएगा, सदाकत रूट जाएगी मदीना छूट जाएगा। अरे वो जिनके नाम से बेजार है कुछ लोग दुनिया में, अगर एहसान गिनवा दूं पसीना छूट जाएगा। मेराज में नबी चले, जिब्राइल आए, वफाती बापू, जिब्राइल अलैहि सलाम आए, कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह याद फरमा रहा है। जिब्राइल चले नबी साथ, जिब्राइल चले नबी साथ, सिदरतुल मुंतहा मकाम आता है जहां जिब्राइल अलैहि सलाम साथ छोड़कर कहते हैं कि या रसूल अल्लाह मेरी हद यहां तक, अब आगे आप जाओ। अल्लाह हू अकबर, नया मेहमान, नई राह, नई दिशा, नया सफर, और साथ छोड़ के कहा जा रहा है कि अब आप अकेले जाए। तो मेरे छोटे से दिमाग ने ये सोचा कि भाई आगे तो वही जाएगा ना जिसको रास्ता मालूम होता है, आगे तो वही जाएगा ना। कह दो सुभान अल्लाह, जिसे रास्ता मालूम होता है। तो पता चला
नबी पाक के साथ में जिब्रील अलैहिस्सलाम का सिदरतुल मुंतहा तक आना एक बहाना था, वरना ये रास्ता मेरे नबी का बड़ा पुराना था। तमाम दरो दीवार को सजाते हो, अरे मोमिनो ये कोई नया काम नहीं है, इस उम्मीद पर मत रहना कि ये बहुत नया काम कर रहे हो तुम, नहीं नहीं ये बहुत पहले हो चुका है, पूछो ना कहां। तो लो सुनो, खालिक ने नूर लुटाया, खालिक ने नूर लुटाया और अर्श परी को सजाया। ऐसा उनका रुतबा है, ऐसा उनका रुतबा है, अल्लाह भी बेपरदा है नबी। I'm not afraid of the dark.
बड़ी मेहनतों से ये नज्म निकाली है मैंने, इसे मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, लेकिन आज पहली बार पढ़ रहा हूँ हिंदुस्तान के स्टेज पे, गुजरात में काठियावाड़ में पहली बार। मेरी जिंदगी नबी से, मेरी बंदगी नबी से, मेरी जिंदगी नबी से, मेरी बंदगी नबी से, मेरी जिंदगी नबी से, मेरी बंदगी नबी से, ये खुदा भी कह रहा है मेरी हर खुशी नबी से, हर खुशी नबी से, मेरी हर खुशी नबी से, प्यारे नबी के सदके सब कुछ अदा करूंगा, नबी के सदके अदा करूंगा, प्यारे नबी के सदके सब कुछ अदा करूंगा, सदके में मुस्तफा के दामन तेरा भरूंगा, नबी के ये इसे बड़े गौर से सुनना। नबी के नाम में वहदानियत की खुशबू है और नबी के नाम में हक्कानियत की खुशबू है, नबी के नाम मुबारक में फजल एजद है और नबी का नाम नबूवत की आखिरी हद है, नबी का नाम नबूवत की आखिरी हद है, नबी का नाम ही कानून है इलाही का और नबी का नाम ही एक जोश है सिपाही का, क्योंकि नबी का नाम, नबी का नाम ही आईना है सदाकत है, और सुनो सुनो अरे नबी का नाम ही इंसाफ की जमानत है, नबी का नाम ही इंसाफ की जमानत है, क्योंकि ये दिन ये नाम दिल के हरम में दिए जलाता है, ये नाम जहन की तारीकियां मिटाता है, ये नाम नूर है, एजाज है, कबीला है, ये नाम हक के तारुफ का एक वसीला है, अरे नबी के नाम का है नूर चांद तारों में और नबी के नाम की खुशबू है तीस पारों में, नबी के नाम की खुशबू है तीस पारों में, नबी का नाम ही हर कल्ब जा की राहत है और नबी का नाम ही ईमान की अलामत है, नबी का नाम ही ईमान की अलामत है, नबी का नाम ही महशर में काम आएगा, और सुनो सुनो अरे नबी का नाम ही हम सबको बख्शवाएगा, नबी का नाम ही हम सबको बख्शवाएगा, क्योंकि नबी का नाम दुआ भी है और इबादत भी, नबी का नाम मोहब्बत है और रहमत भी, नबी का नाम वजीफा है मर्द मोमिन का और नबी का नाम मदरसा है एक कमसिन का, अरे नबी के नाम के सदके जहां में बढ़ते हैं और नबी के नाम से बादल गमों के छटते हैं, नबी के नाम से बादल गमों के छटते हैं, नबी का नाम मुकद्दस है और मुकर्रम है, नबी का नाम की मेराज अर्श आदम है, अरे नबी के नाम की अजमत हुसैन से पूछो, नबी के नाम की अजमत हुसैन से पूछो, अली और फातिमा जहरा के चैन से पूछो, क्योंकि नबी का नाम मुसलमान भुला नहीं सकते और नबी के नाम को दुश्मन मिटा नहीं सकते, अदा करूंगा
का बन जा गाजी। नमाज़ों रोज़ों का पाबंद गाजी, तू दीन का बन जा, तू दीन का बन जा, तू दीन का बन जा, हाँ तू दीन का बन जा गाजी। अल्लाह भी होगा राजी नबी के शहादत के शेर मैंने निकाले हैं। मैंने अपनी जिंदगी में चांद भाई कुछ शेर ऐसे मेरी जान इसमें सुनना, सुनने के लायक है, और दुआ देना कि अल्लाह मेरे जहन को तरोताजा रखे। आमीन आमीन। शेर देखिएगा, ये बंद में मैं कुछ शेर नजर करूंगा। तवज्जो तवज्जो यूसुफ भाई, पूरी तवज्जो। हो जिन पर फलक निछावर मुसलमानों के ये हालात है कि हमको अपने माँ बाप के किए हुए यादें वादे भी याद नहीं। हमारे माँ बाप से जो कौलो कसम हमने खाई है वो भी हमें याद नहीं। लेकिन सोचो वो कैसे नवासे थे, वो कैसे नवासे थे। अल्लाह अकबर। तवज्जो। शब्बीर ने सर को कटाया, शब्बीर ने सर को कटाया, बचपन का वादा निभाया नबी के। और सजदे में जिसका सर भी तन से, जरा बावा दे बुलंद, तन से जुदा हुआ है। तवज्जो हुजूर। मैं किबला मोहतरम, किबला 10 मिनट का वक्त चाहूंगा। ये अगर नहीं सुनेंगे आप तो मैं समझूंगा कि ये पूरा खाका निकल जाएगा। 10 मिनट का वक्त है। कोई इस तरह जो हक पर फिदा हुआ है, सजदे में जिसका सर भी तन से जुदा हुआ है। खुददार जिंदगी का तकाजा है दोस्तों। फ्रेम करके लगाइए राजकोट के मुसलमानों अपने अपने घरों में। खुददार जिंदगी का तकाजा है दोस्तों कि जीना नबी से सीखो तो मरना हुसैन से। जीना नबी से सीखो तो मरना हुसैन से, क्योंकि पैदाइशी खुददार था, खुददार ही रहा, और वो खुल्द का सरदार था।
सरदार ही रहा, सर दे दिया यजीद को लेकिन दिया ना हाथ। अरे जिस बात से इनकार था इनकार ही रहा, मगर यजीद यजीद पूरी तवज्जो इस वक्त पूरे जहन को मेरी तरफ रखे, यजीद तू ये खुली बात भी समझ ना सका कि फरिश्ता कब किसी शैता के साथ में आता। अरे वो हाथ जिसको रसूल खुदा ने चूमा हो वो हाथ कब किसी नापाक हाथ में आता, वो हाथ कब किसी नापाक हाथ में आता। जरा सा जुल्म हम पर होता है वफाती बापू तो हम टूट जाते हैं, लेकिन सोचो आका हुसैन की अजमत का ख्याल रखो और अजमत हुसैन के किरदार पर नजर रखकर ये चार मिसरे सुनो के तमाम जुल्म तेरी जिंदगी पे टूट पड़े, सदाफरी तेरी हिम्मत पे तू नहीं टूटा। और हुसैन क्यों ना हो जाने नमाज सजदा तेरा, तेरी सांस तो टूटी वजू नहीं टूटा। तेरी सांस तो टूटी वजू नहीं टूटा। मगर पंडित दिवाकर नाम देखिए हैदर बापू, पंडित दिवाकर, पंडित कहते हैं कि रूह में करबला की आहट है, रूह में करबला की आहट है, मुझको महसूस हो रहे हैं हुसैन, सुनो सुनो सुनो, आज की रात जागना है मुझे क्योंकि मेरी आंखों में सो रहे हैं हुसैन। आज की रात जागना है मुझे, मेरी आंखों में सो रहे हैं हुसैन। यूसुफ भाई मैं हैदर बापू बफाती बापू जो हमारे बुजुर्ग यहाँ आए हैं, मैं समझता हूँ कि इनके तोहफ़े में मैं कुछ अशार में इस भाई दे रहा हूँ। मैं पहली बार आया हूँ राजकोट में, पहली बार मैं प्रोग्राम में हूँ, दुआ करता हूँ कि आप लोगों की मोहब्बतें मेरे साथ भी रहें, अल्लाहुम्मा आमीन। शेर देखिएगा हैदर बापू, अब ये शेर सुना रहा हूँ कि सैलाब, अस्सलाम वालेकुम बापू, सैलाब देखता हूँ तो आता है ये ख्याल बापू, सैलाब देखता हूं तो आता है ये ख्याल कि पानी भटक रहा है तलाशे हुसैन में, पानी भटक रहा है तलाशे हुसैन में। और एहसास करबला तुझे हो जाएगा उस दिन, एहसास करबला तुझे हो जाएगा उस दिन, तन्हा किसी अजीज की मैयत उठा के देख, तन्हा किसी अजीज की मैयत उठा के देख। मगर फिर दूसरा शायर कहता है कि कौन कहता है मेरे आका हुसैन प्यासे थे और पानी को तरस रहे थे, कौन कहता है, अरे चुल्लू में लेके फेंक दिया आबे नहर को, चुल्लू में लेके फेंक दिया आबे नहर को, अब्बास ने फुरात को पानी पिला दिया। चार मिसरे आज जो इमामत मस्जिदों में दिख रही है, चांद भाई किस मकाम से ये शेर कहा है जालिम ने, कमाल कर दिया है, ये जो इमामतें दिख रही है आज मस्जिदों में, शायर कहता है कि बचा के शोलों से आबिद को लेके आई है, बचा के शोलों से आबिद को लेके आई है, कमर पे पारे इमामत उठा के लाई है, अरे अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम, क्योंकि तेरी अमानत घर तक बचा के लाई है। सजदे में जिसका सर भी तन से जुदा हुआ है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है,
अरे अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम, क्योंकि तेरी अमानते घर तक बचा के लाई है, तेरी अमानते घर तक बचा के लाई है। और इस तरफ शब्बीर ने सर को कटाया, शब्बीर ने सर को कटाया, बचपन का वादा निभाया।